फ्रेंड्स, क्या है ना कि जनवरी, फरवरी, मार्च जैसे महीनों में ना स्किन ड्राई होना, हेयर फॉल की समस्या होना और जॉइंट्स पेन होना लाजमी है। तो इन सब का एकमात्र उपाय मैं आपको बता रही हूँ कि क्या करना है। आपको लेना है सारे ही ड्राई फ्रूट्स, जैसे काजू बादाम, मुनक्के और फ्लैक्स सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, मूँगफली के दाने, मतलब जो भी आपके पास अवेलेबल हो, जो भी ड्राई फ्रूट्स, उनको ले लीजिए, रोस्ट कर लीजिए। रोस्ट करके मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर बनाकर क्या करना है, इसमें डालना है नारियल, मतलब जो गरी का जो बुरा होता है उसको डाल देना है बराबर मात्रा में और मिक्स कर लेना। मिक्स करके इस मिक्सर को एक साइड में रख देना है और करना है नेक्स्ट प्रोसेस। क्या करना है, आपको चढ़ाना है एक पैन, उस पैन में घी डालना है, शुद्ध देसी घी होना चाहिए, और गोंद कतीरा लेना है आपको। जितना आपने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं उतना ही मात्रा में गोंद कतीरा लेना है। इसको भी भून लेना है। भून कर इसे मिक्सी जार में डालकर इसका पाउडर बना लीजिए और इस पाउडर को भी आप साइड में रख दीजिए। और आप क्या करना है, नेक्स्ट प्रोसेस करना है कि पैन को चढ़ाना है, उसमें थोड़ा पानी डालना है और गुड़ लेना है अपने मिक्सचर के अकॉर्डिंग। जैसे कि मिक्सचर जिस हिसाब से हो उस हिसाब से गुड़ आप ले लीजिए, मेल्ट कर लीजिए। और मेल्ट होने के बाद आप इसमें गोंद कतीरे वाला पाउडर आपको डाल देने हैं और उसके बाद में जो भी ड्राई फ्रूट्स वाला जो आपने मिक्सचर बनाया था उसको भी इसी में ऐड कर देना है। ऐड करके सभी को मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अगर आप चाहें तो इसे लड्डू का सेप भी दे सकते हैं, नहीं तो आप मिठाई का सेप भी दे सकते हैं। इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स हमने लिए हैं बहुत ही पावरफुल हैं, आपके हेयर के लिए, स्किन के लिए, जॉइंट्स पेन के लिए, वीकनेस के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरीके से कुछ हो गया है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर, अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो उसे भी डाल सकते हैं, और नहीं है तो कोई बात नहीं, इससे थोड़ा टेस्ट जो है ज़्यादा अच्छा हो जाता है, तो आप चाहे तो डालें चाहे न डालें। और आप क्या करना है, एक प्लेट में घी लगाकर इसे जमा दीजिए, नहीं जमाना चाहते तो इसका लड्डू बना दीजिए। अब क्या करना है, रोज़ सुबह खाली पेट इसे दो पीस आपको खाने हैं और पानी पी लेना है। इससे आप देखेंगे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक